हमारे पास जो इवेंट है, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर दो या दो से ज्यादा इवेंट्स जो है वो हम पिक कर रहे हैं अपनी प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस में से, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो जो दो या दो से ज्यादा इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सो हम किस सूरत में कहेंगे कि वो दोनों के दोनों इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर उन दो या दो से ज्यादा इवेंट्स के दरमियान कोई भी चीज कॉमन ना हो, ओके सेम ना हो, तो हम कहते हैं दीज आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जबकि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा इवेंट्स के दरमियान कोई ना कोई चीज कॉमन हो तो उसे हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। सो इसी चीज को हम यहाँ पे ग्राफिकली भी इंडिकेट कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज द वेन डायग्राम, ओके, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स के अंदर। सो दिस इज बेसिकली अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, बिकॉज ए इज अ इवेंट, बी इज अ इवेंट, दिस बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग अ सैंपल स्पेस। सो हमने इस सैंपल स्पेस में से दो सबसेट्स लिए हैं और इनमें क्या है कि ए में और बी के अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं है। सो दीज आर कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और यू कैन से डिसजॉइंट इवेंट। जबकि ये जो ओवरलैपिंग पोर्शन है दैट इज इंडिकेटिंग कि समथिंग इज कॉमन बिटवीन दीज टू इवेंट्स। सो अगर ऐसी सिचुएशन हो मीन इंटरसेक्शन के दरमियान, तो उस सिचुएशन के अंदर हम कहते हैं कि दीज आर द नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। रिमेंबर दैट प्रोबेबिलिटी के अंदर जहां पे एंड आ जाता है दैट मीन इंटरसेक्शन, और जहां पे और आ जाता है दैट मीन यूनियन होता है। ओके, सो इस चीज को जो है वो याद रखिएगा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर है व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, व्हाट आर द नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है जी। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है विच इज कॉल्ड एज द कंप्लीमेंट्री लॉ। सो कंप्लीमेंट्री लॉ से क्या मुराद है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट बिफोर डिस्कसिंग द कंप्लीमेंट्री लॉ, लेट्स डिस्कस थ्री मेन प्रॉपर्टीज, और यू कैन से थ्री मेन अजम्पशंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सो जब भी हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे, आपकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान में रहेगा। ओके, और जबकि जो ई ए है वो सैंपल स्पेस का हिस्सा होगा। सो यहाँ पे ओमेगा से मैं जो है वो सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दिस साइन इज इंडिकेटिंग ए इवेंट इज अ सबसेट ऑफ दैट सैंपल स्पेस। अगर है तो उस ए इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा बिटवीन 0 और 1 के दरमियान लाई कर रही होगी। सो कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। जबकि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि अगर हम तमाम के तमाम इवेंट्स जो सैंपल स्पेस के अंदर हैं उनकी प्रॉपर्टी निकालें और उनको जमा करें तो 1 ही आएगा। सो द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सेकेंडली हमारे पास क्या है कि अगर वो कहते हैं कि तमाम के तमाम इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, मीन उनके दरमियान कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो अगर हम हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी को जमा कर दें तो हम उनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। लाइक जैसे इसका क्या मतलब है, a1 + a2 up to an। So, अगर मुझे इनकी कंबाइंड प्रॉपर्टी निकालनी है बिकॉज दे आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का क्या मतलब है कि इनके दरमियान कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 + प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 हम कैलकुलेट करेंगे, प्लस अप टू सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ an हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, इन तमाम इवेंट्स की प्रॉपर्टी को हम कैलकुलेट करके अगर जमा कर दें तो वी वुड बी एबल टू गेट द कंबाइंड और टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी इन तमाम इवेंट्स की एक ही साथ में। ओके, बट अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा इवेंट्स नॉट म्यूचुअली हो, नॉट म्यूचुअली का क्या मतलब है उनके दरमियान कोई कॉमन है, तो देन लाइक जैसे यहाँ पे दो इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दी हुई है, तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी वुड बी इक्वल टू ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर तीन होते लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी होता, तो देन फिर हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपके पास आ जाता माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ओके, एंड देन इन द एंड प्लस कर लेते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो रिमेंबर दैट प्लस माइनस प्लस,
हम इसी तरह से अगर चार होते तो प्लस माइनस के साथ हम चल रहे होते। ओके सो अब ये तो हो गया, इन इनको हम एक लॉ का नाम भी देते हैं विच इज कॉल्ड एज, ये जो हमारे पास है कि अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सो दिस इज बेसिकली एडिशन लॉ, दिस इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर, इनको हम एडिशन लॉ भी कहते हैं, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। ओके और थर्ड हमारे पास नेक्स्ट क्या जी, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ भी हमने पढ़ा कि अगर आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ किसकी बेसिस के ऊपर होता है कि अगर एक इवेंट ए है और हम उसका ऑपोजिट टोटल इवेंट ले लें, कॉम्प्लीमेंट इवेंट ले लें, ठीक है। सो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज इक्वल टू वन, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे पास सैंपल स्पेस है जी डाई की 1 2 3 4 5 6, राइट, और मेरे पास इवेंट ए जो है वो है लेट्स से ऑड नंबर 1 3 5। सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा जी इवन नंबर्स 2 4 एंड 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट वुड बी इक्वल टू 1। वो कैसे, क्योंकि ये भी क्या है 3 3/6 और ये भी क्या है जी 3/6, राइट। सो दिस वुड बी 1। सो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। सो अब कॉम्प्लीमेंट्री लॉ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे ए की प्रोबेबिलिटी पता है, मुझे ए कॉम्प्लीमेंट की निकालनी है, बिकॉज वी नो दैट कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट वुड बी इक्वल टू 1। सो अगर मुझे किसी एक का पता है तो मैं दूसरे की ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो दैट्स वे जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी है ये काफी यूजफुल है इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग द लार्ज प्रॉब्लम। ओके बिफोर डिस्कसिंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लेट्स डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस। जैसे हमारे पास क्या है कि कुछ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इस वक्त जो है वो हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है वो कह रहा है कि अ पार्ट सिलेक्टेड फॉर टेस्टिंग इज इक्वली लाइकली टू बी प्रोड्यूस ऑन अ सिक्स वन ऑफ द सिक्स कटिंग टूल्स। सो सबसे पहले वो हमें कह रहा है कि व्हाट इज द सैंपल स्पेस। सो अगर सिक्स कटिंग टूल्स हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो क्या आ जाएंगे, अगर मैं सैंपल स्पेस को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, कटिंग टूल नंबर 1 2 3 4 5 6। ओके आगे वो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्ट इज फ्रॉम टूल 1। ओके सो टूल 1 है सो दैट मीन 1/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टूल 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 आ जाएगी। 3 और 6 5, ठीक है। सो मैंने आपको बताया और का मतलब क्या है 5, और ये नॉट म्यूचुअली है, या 3 आएगा या 5 आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 3 और 5 क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। सो ये क्या आ जाएगा, 3 आने के चांसेस 1/6 है, इसमें 5 आने के चांसेस क्या है, अगेन 1/6। सो द आंसर इज 2/6, और यू कैन से 1/3 is the chances that either the tool is 3 or either the tool is 5. आगे कह रहे हैं what is the probability that the part is not from tool 4? Okay, कि वो जो part है वो tool 4 में से नहीं है। So that mean either you can apply the complementary law or either you can apply the straight. So अगर 4 नहीं है तो it mean बाकी remaining कितने होंगे? So not टूल 4, सो बैक टोटल 6 थे, दैट मीन 5/6, ठीक है। या हम कॉम्प्लीमेंट्री लॉ के सेंस में क्या कर सकते हैं कि ए इवेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है टूल इज 4। ओके सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, रिमेनिंग 1 2 3 5 एंड 6, ठीक है जी। सो इसका अगर हमें पता है तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट की एक्चुअली प्रोबेबिलिटी चाहिए। So 1 minus probability of A, so that is 1 minus 1/6 is equal to 5/6 हमारे पास आ जाएगा। Okay, so try to solve question number 2 by yourself, ठीक है, same मिलता जुलता है। Okay, question number 3 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कह रहे हैं कि in how many different ways can 3 out of 20 laboratory assistant be chosen to assist with an experiment? रिमेंबर दैट जब हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा m ओवर n, ठीक है।
एम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मीन कितनी दफा वो पर्टिकुलर इवेंट अकर हो रहा है, जबकि एल इंडिकेट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो विच मीन हमें सबसे पहले इनको काउंट करना है। सो देर आर फ्यू काउंटिंग रूल्स एज वेल, लाइक वन ऑफ द काउंटिंग रूल इज अ कॉम्बिनेशन, ओके, एंड अनदर रूल इज, वन ऑफ देम इज परमुटेशन, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज कि किस सिचुएशन के अंदर, अगर हम कह रहे हैं कि 20 में से 3 लेबोरेटरी सिस्टम करें, शुड वी अप्लाई कॉम्बिनेशन, शुड वी अप्लाई परमुटेशन। सो अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, बट अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो देन हम परमुटेशन अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे 20 में से एक प्रोफेसर सेलेक्ट करने हैं, 3 एप्लीकेंट सेलेक्ट करने हैं, एक प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर। सो वंस हम यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इट्स अप टू यू कि चाहे आप पहले असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट कर लें फिर एसोसिएट फिर प्रोफेसर, या पहले प्रोफेसर फिर एसोसिएट फिर असिस्टेंट, या पहले एसोसिएट फिर असिस्टेंट फिर प्रोफेसर। सो यहाँ पे जो है वो एक दफा अगर प्रोफेसर सेलेक्ट हो गए तो दोबारा आप जो रिमेनिंग जो 2 बंदे आपने सेलेक्ट करने वो प्रोफेसर सेलेक्ट नहीं करने। सो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, सो इस सिचुएशन के अंदर हम परमुटेशन अप्लाई करेंगे। बट जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना हो, लाइक जैसे इस केस के अंदर है, वो कह रहे हैं कि हमने 20 में से 3 लेबोरेटरी असिस्टेंट, सो एक ही डेजिग्नेशन है उसके 3 लोग सेलेक्ट करने, या मैं कहता हूँ 20 में से 3 बॉल्स सेलेक्ट करने, ठीक है जी, टोटल 3 बॉल्स। सो कोई मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि एक रेड होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। सो वेंस वंस द ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट वी विल अप्लाई कॉम्बिनेशन। सो इस सिचुएशन में वो हमसे टोटल नंबर ऑफ वेज पूछ रहे हैं कि इन 20 में से 3 लेबोरेटरी असिस्टेंट को सिलेक्ट करने के कितने मेथड वे हो सकते हैं। सो वो क्या आ जाएगा, 20C3, ठीक है, जिसको हम कहते हैं NCR। सो N इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू R, राइट। सो आपको इसका फॉर्मूला पता है, दैट इज N फैक्टोरियल, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R, ठीक है। सो आप कैलकुलेटर के जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, और आइदर यू कैन कैलकुलेट मैनुअली। सो इसको जो है वो कैलकुलेट कीजिएगा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो लेट मी नो, ओके। सो अब हम ये कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने जी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है विद रिस्पेक्ट टू जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि वो हमें ये कह रहा है कि आपने करना क्या है जी, कि 18 कॉम्पैक्ट कार्स हैं आपके पास, एक कार रेंटल कंपनी है, 12 इंटरमीडिएट साइज कार्स हैं, हमने उनमें से 4 जो है वो रेंडमली सेलेक्ट की है, ठीक है, फॉर अ सेफ्टी चेक। हमें बताओ कि जो प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है कि जो 4 कार हमने सेलेक्ट की है रेंडमली, वो 2-2 कार्स फ्रॉम ईच आई है, 2 कम फ्रॉम कॉम्पैक्ट, 2 कम फ्रॉम इंटरमीडिएट, ओके। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है वो कह रहा हूँ जी कि सबसे पहले तो हम बता रहे हैं कि कॉम्पैक्ट कार्स कितनी है और फिर इंटरमीडिएट साइज कार कितनी है, ओके। कॉम्पैक्ट कार टोटल थी 18 और इंटरमीडिएट साइज टोटल कार्स थी आपके पास 12, ठीक है, टोटल कॉम्पैक्ट 18, टोटल इंटरमीडिएट साइज 12। सो टोटल नंबर ऑफ कार्स जो थी वो कितनी बन गई, 30, राइट। और हमने जो सिलेक्ट किए रेंडमली वो 4 कार सिलेक्ट किए, सो सिलेक्शन या चूजन हम ये कह लेंगे, सिलेक्ट जो हमने की है वो 4 कार्स की। हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, 2 कार्स आर द कॉम्पैक्ट कार्स, ठीक है जी, एंड मतलब ये नहीं कि यू कैन से प्लस 2 आर फ्रॉम द इंटरमीडिएट साइज, ठीक है। सो 2 कार कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, 2 इंटरमीडिएट साइज होनी चाहिए। सो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जो हमारा इवेंट है वो ये बन रहा है, ओके। सो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि दैट इज एम ओवर एन, ठीक है, आप कह लो कि 2 टोटल में से 2 कॉम्पैक्ट कार होनी चाहिए, 2 इंटरमीडिएट साइज होनी चाहिए। अब सबसे पहले एम जो फेवरेबल आउटकम्स है, दैट मीन 2 आर फ्रॉम कॉम्पैक्ट कार, सो दैट वुड बी 18C2। सो इन 18 कॉम्पैक्ट कार में से 2 कार सेलेक्ट करने के जो वेज हो सकते हैं, इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, 12C2। सो जो अपने बाकी 2 कार्स हैं वो इंटरमीडिएट साइज है, और एन आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल में से 4, ठीक है।
एक इसका शॉर्ट मेथड याद रखिएगा कि अगर आप ऊपर वालों को जमा करो तो ये टोटल बनना चाहिए, और नीचे वालों को जमा करो तो ये नीचे वाला बनना चाहिए. ओके, सो नाउ यू कैन कैलकुलेट 18C2. वी नो द फॉर्मूला ऑफ NCR, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो 12 CR. ओके, सो इसको कैलकुलेट करो और 30C4 कैलकुलेट करो एंड डिवाइड कर दो. यू विल गेट द आंसर ऑफ कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो जो हम 30 में से 4 कार सेलेक्ट करेंगे उनमें से 2 कॉम्पैक्ट हैं और 2 इंटरमीडिएट साइज हैं. एंड रिमेंबर दैट द आंसर ऑफ द प्रॉपर्टी इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1. ओके, सो अभी हमने डिस्कस की है. ओके जी, सो सिमिलरली ट्राई क्वेश्चन नंबर 5 को जो है वो ट्राई कीजिएगा. अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो हम डिस्कस करेंगे. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 को भी जो है वो ट्राई कीजिएगा. सो वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो लेट मी नो. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करें विच इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सो रिमेंबर दैट इन अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होता है कि जब हम डिस्कस कर रहे थे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के अंदर, सो उसमें हमारे पास क्या होता है कि हम अज्यूम क्या कर रहे होते हैं, मीन बेसिकली सैंपल स्पेस के अंदर हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं. जबकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, मैं कहता हूँ कि जी आप प्रोबेबिलिटी निकालो बी की, गिवन दैट कि हमें ये पता है कि ए इवेंट अकर हो चुका हुआ. सो जब भी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सो बेस्ड ऑन सम गिवन इंफॉर्मेशन हमने किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है. सो जब हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन होती है, इट मीन हमारी जो सैंपल स्पेस है वो स्क्यूज कर जाती है, वो आपके लिए कम हो जाती है, बिकॉज अब हमें पूरी पूरी सैंपल स्पेस में देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उस बेस्ड ऑन दैट गिवन इंफॉर्मेशन हम जो है वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो इसको मैथमेटिकली हम डिनोट कैसे करते हैं, सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से इसको डिनोट कर रहे हो. लाइक यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, कि अगर हमें ए की प्रोबेबिलिटी का पता है या ए इवेंट का पता है, हमें बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो द फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मीन की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. और अगर मैं लिख दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो ऊपर वाला पोर्शन सेम रहेगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी राइट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी राइट जी. सो दैट इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके, अब फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास सैंपल स्पेस काम कैसे होती है, अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़े उसमें वो हमें ये कह रहे हैं कि आपके पास क्या है जी, 4 जो है वो रेड बॉल्स है. जस्ट अ सेकंड. ओके, सो इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं कि आपको जो क्वेश्चन है वो सॉरी 5 रेड बॉल्स है, 4 ब्लू बॉल्स है, 6 white balls है. So total हमारे पास कितना आ गया जी, 15. So 15 total हमारे पास chips हैं, okay, जिनमें से 5 red हैं, 4 blue हैं और 6 white हैं. So वो कह रहे 2 chips are randomly, हमने 2 chips select करनी है, but probability वो कह रहे हैं कि probability हमने calculate करनी है कि second chip जो है वो red है, given that the first is blue. So हमें पता है कि पहली जो है chip वो blue थी, सेकेंड चिप जो है वो रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो. सो टोटल 15 है, सो वी नो दैट कि जो फर्स्ट चिप है वो ब्लू है, तो इट मीन बाकी जो रिमेनिंग 14 है उनमें से रेड आने के चांसेस क्या है. सो टोटल रेड क्या है, 5. सो 5 बाय 14 आ जाएगा, ठीक है जी. ओके, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर उसने हमें टेबल दिया हुआ है, उसने हमें सर्वे कंडक्ट किया है, उसमें वो कह रहे हैं कि वी हैव मेल, वी हैव फीमेल, एंड देन हमारे पास जो है उन्होंने स्टडी आर को लिया हुआ कि कितने मेल जो है वो लेस देन 5 आवर स्टडी करते हैं, कितने मेल 5 to 10 आवर स्टडी कर रहे हैं, एंड सो ऑन. सो हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 10 आवर्स स्टडी गिवन दैट द स्टूडेंट इज मेल. सो हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि जो स्टूडेंट है वो मोर देन 10 आवर जो है वो स्टडी करता है गिवन दैट दैट पर्सन इज मेल. So more than 10, that is this column. ठीक है जी, that mean हमारे लिए जी important है, that is this point.
इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन क्या है कि वो पर्सन जो है वो मेल है. सो दैट मीन दिस इज द 16 डिवाइडेड बाय गिवन दैट दैट मेल. सो टोटल क्या है, टोटल मेल कितने हैं 14. सो इन 14 में से 16 मेल ऐसे हैं जो कि मोर देन 10 आवर्स स्टडी करते हैं. सो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 10 आवर्स गिवन दैट द मेल इज द पर्सन इज मेल. सो 16 by 49. So 32 point, or you can say approximately 33% male ऐसे हैं जो के जो six more than 10 hours जब study करते हैं. So instead of 100, so total samples पे इसकी बजाय क्योंकि हमें पता है कि वो person male है इसलिए हम total male division के अंदर ले लेंगे. Okay, so that is basically a conditional probability. Okay, like जैसे हमारे पास addition laws थे तो इसी तरीके से हमारे पास जो है वो कुछ एक लॉ होते हैं मल्टीप्लिकेटिव लॉज. सो जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ या मल्टीप्लिकेटिव रूल होता है सो दैट इज बेस्ड ऑन के वेदर योर इवेंट आर इंडिपेंडेंट और वेदर योर इवेंट्स आर डिपेंडेंट. अगर तो क्योंकि जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, जैसे हम अभी हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट. So that was a conditional probability. अगर तो event dependent है, that is this case, ठीक है, और हमें इनकी combined probability निकालनी है A intersection B की, तो फिर हम क्या करेंगे, sorry given B, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इनको cross multiply कर लेंगे. So A intersection B, that is A and B, probability of A into probability of B given A. या यही चीज जो है वो डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास कि आप इवेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, यही चीज बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप इवेंट को किस तरीके से जो है वो नोटेट कर रहे हो या उसकी नोटेशन क्या रख रहे हो, ठीक है. दैट इज बेसिकली द मल्टीप्लिकेटिव लॉ कि अगर इवेंट डिपेंडेंट है, अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है और आपने इनकी कंबाइंड प्रॉबर्टी निकालनी है तो देन इंडिपेंडेंटली इवन ए की प्रॉबर्टी और बी की हमें अगर गिवन है या हमें पता है तो आप उनको निकालो और सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर दोगे इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. सो हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो एग्जाम्पल नंबर वन है दैट इज बेस्ड ऑन द डिपेंडेंट, वो कह रहे हैं कि जो टू कार्ड्स आर सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट. सो विदाउट रिप्लेसमेंट मीन कि अगर हमने डेक ऑफ कार्ड में से एक दफा जो कार्ड निकाले दोबारा हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते. So find the probability that the selected item diamond and then select a spade. Okay, कि हमारे पास जो पहला है even वो diamond है. Okay, और and then जो है वो जो दूसरा आ रहा है वो हमारे पास selecting a spade. So हमने इनकी combined probability निकालनी है that is card is diamond and spade. ठीक है. So, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि डिपेंडेंट है कि अगर पहला डायमंड है तो दूसरा स्पेड आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है तो हम जो है वो मल्टीप्लिकेटिव रूल अप्लाई कर देंगे. सो हमारे पास क्या जी पहला कार्ड जो है वो डायमंड है, ओके, इन टू नेक्स्ट जो सेकेंड कार्ड है वो स्पेड होगा गिवन दैट द फर्स्ट इज डायमंड. सो पहला कार्ड जो है वो डायमंड है. सो वी नो दैट के टोटल जो डेक ऑफ कार्ड होती है एक डेक के अंदर जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है. 13 आर स्पेड कार्ड्स, 13 आर डायमंड कार्ड्स, 13 आर अदर हमारे पास 13 जो है वो कार्ड होते हैं. सो टोटल 52 हमारे पास जो है वो कार्ड्स होते हैं. सो 13/2 आपके पास क्या जाएगा, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड. बाकी अब क्योंकि एक कार्ड जो है वो डायमंड का निकल चुका है सो बाकी जो डेक ऑफ कार्ड में बच गए वो 51 बच गए. सो स्पेड भी 13 होता है, सो इनटू 13/51. ओके, बिकॉज़ दे आर द डिपेंडेंट, बिकॉज़ जो वो हमें कह रहा है कि अगर पहला कार्ड जो है वो डायमंड है तो देन दूसरा जो है वो स्पेड होगा. ओके, सो इसलिए हम जो है वो एक कम कर देंगे. सो अब यहाँ पे इसके कंबाइन आने के जो चांसेस है दैट इज दिस. जबकि एग्जाम्पल नंबर टू में जो इवेंट है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट जो है वो हम कंसिडर कर रहे हैं. इंडिपेंडेंट कैसे, वो कह रहे हैं कि अ डाई इज रोल सिंगल टाइम और जो टू कॉइंस, दो कॉइंस को हमने टॉस किए. सो डाई और दोनों के दोनों कॉइंस जो है वो इंडिपेंडेंट.
प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ डाई उसमें 5 आने के चांसेस और 2 टेल्स आने के चांसेस, मीन 0.1 के ऊपर भी और 0.2 के ऊपर भी जब वो टेल टेल है। सो क्योंकि दोनों के दोनों कॉइन्स और डाई जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो 5 टेल टेल के आने के चांसेस, तो 5 के आने के चांसेस क्या है, 1/6, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, सो दिस इज द आंसर ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सो आई होप कि आप लोगों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लीकेटिव रूल्स भी क्लियर हो गए। सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, जो कि अभी अब तक हमने प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। ओके, सो इसमें हमारे पास क्या है कि लेट से कि हमारे पास ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द एज ऑफ द स्टूडेंट्स। सो 13 स्टूडेंट्स ऐसे जिनकी एज लाइक करिए बिटवीन 18 टू 25, 8 स्टूडेंट्स ऐसे जिनकी एज लाइक करिए बिटवीन 26 टू 33 एंड सो ऑन। सो हमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट एज विल लाई बिटवीन 26 टू 33। सो ये हम कौन सी डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, दैट इज अ रिलेटिव और यू कैन से स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन। सो इसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल, सो 8/30 चांसेस है कि जो स्टूडेंट की एज है वो लाई कर रही होगी 26 से 33 के दरमियान। ओके, सो व्हिच इज आल्सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एज वेल। सो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी इज, या यू कैन से एम्पिरिकल इज आल्सो कॉल्ड एज अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो स्टैटिस्टिकल या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ 36, सो टोटल 36 जो है वो लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है, जिनमें से 20 मेल हैं, 16 फीमेल हैं, 20 उनमें पीएचडी हैं और 16 नॉन पीएचडी हैं, 8 मेल ऐसे जो पीएचडी हैं, 12 फीमेल ऐसी जो पीएचडी हैं एंड सो ऑन। सो इसकी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, वो कह रहे हैं कि प्रॉबर्टी हमने निकाली है, व्हाट इज द प्रॉबर्टी दैट एप्लीकेंट हैव अ पीएचडी। सो टोटल 36 में से कितने लोग पीएचडी हैं, जी हां जी 20, सो 20/36। व्हाट इज द प्रॉबर्टी दैट जो हमने चूज किया है, वो कह रहे हैं कि वन चूजर इज अ विमेन, ठीक है, वो फीमेल है एंड हैव अ पीएचडी, ठीक है। सो हमने कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि जो हमने फीमेल चूज की है वो पीएचडी है और हैविंग अ पीएचडी। सो वो क्या, उनका इंटरसेक्शन कितना बन जाए, 12 डिवाइडेड बाय टोटल व्हिच इज 36, ठीक है जी। आगे कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वन चोजन इज अ वुमेन और, सो मैंने आपको बताया था और का मतलब है यूनियन, सो दैट मीन वुमेन यूनियन पीएचडी। सो हम वुमेन की प्रोबेबिलिटी सेपरेट निकालेंगे व्हिच इज, सो टोटल फीमेल्स कितनी है जी 16/36, टोटल पीएचडीज कितने हैं 20/36 और इनमें इंटरसेक्शन कितने हैं जी 12/36। सो हमारे पास आ जाएगी के प्रोबेबिलिटी दैट वुमेन और हैविंग अ पीएचडी दैट इज 2/3 आ जाएगा आपके पास। ओके जी, सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमारे पास जो है वो कह रहे हैं कि ऑफ द 20 टेलीविजन प्रोग्राम टू बी राइज दिस इवनिंग, ठीक है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब वो हमें प्रोबेबिलिटीज बेसिकली कह रहे हैं कि इफ 8 ऑफ द प्रोग्राम्स आर एजुकेशनल, ठीक है, 9 आर इंटरेस्टिंग, 5 आर बोथ। ओके, सो दैट मीन एजुकेशनल कितने, 8, कितने में से टोटल 20 में से। ओके, उसकी प्रॉपर्टी हमने निकाल ली है सेपरेट इवेंट की, इंटरेस्टिंग की प्रॉपर्टी निकाली 9/20, ठीक है, और कंबाइन हमें इंटरसेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज 5/20। अब हमें कह रहे हैं फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट शो ही विल वॉच एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन का क्या मतलब है, एक या एक से ज्यादा, ठीक है, या मीन और। सो दैट मीन हमने प्रॉपर्टी निकाली है ए यूनियन आई की, ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करें, क्योंकि इंटरसेक्शन है, दैट मीन वी विल अप्लाई द एडिशन लॉ दैट इज अ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो प्रॉबर्टी ऑफ ई प्लस प्रॉबर्टी ऑफ आई माइनस प्रॉबर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन आई दैट इज 8/20, 9/20 minus this, so we can calculate that one. ठीक है जी। ओके, सो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट्री लॉ को हम इस्तेमाल करेंगे, सिंपल भी और कॉम्प्लीमेंट्री लॉ को भी। इसमें वो कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सिलेक्टेड एट रेंडम डिड नॉट ग्रेजुएट फ्रॉम द हाई स्कूल, वो कितने हैं जी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25।
इफ थ्री पीपल आर सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, अगर हम तीन लोगों को सिलेक्ट करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल थ्री डू नॉट हैव द हाई स्कूल डिप्लोमा, ठीक है। अगर एक पर्सन के जो है वो चांसेस इतने हैं कि तीन के तीन जो है उनके पास हाई स्कूल डिप्लोमा नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 0.3 की पावर 3 ले लेंगे, दैट इज 0.325 पावर एन, दैट इज 3, ओके। और वो कह रहे हैं ऑल हैव द डिप्लोमा, दैट मीन कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, सो 1 माइनस 0.25, सो 0.75 आ गया, उसका हम पावर 3 ले लेंगे। आगे वो हमें कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन हैव द डिप्लोमा, सो एटलीस्ट वन का मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, सो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स इज लेस देन 1, सो लेस देन 1 मीन एक्स इज इक्वल टू 0, ओके। सो दैट मीन आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास नन ऑफ हैव द डिप्लोमा, सो 1 माइनस 0.23 पावर 3 हम कर देंगे, ठीक है, कि जिसके पास डिप्लोमा है, सो 0 बेसिकली उसके पास डिप्लोमा है, सो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो दैट इज 0.98, सो दैट मीन एटलीस्ट वन हैविंग द डिप्लोमा, आंसर इज 0.98, ठीक है जी। सो दिस इज द जेनेरिक रूल कि जहां पे भी एटलीस्ट वन आ जाए, सो वी कैन अप्लाई द कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। सो आई होप कि आप लोगों को प्रोबेबिलिटी उसके जो एडिशन लॉ और कॉम्प्लीमेंट्री लॉस जो है वो क्लियर हो गए, ठीक है जी। सो आपने, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको ये सेंड कर रहा हूँ, सो इनको जो है वो सॉल्व कर लीजिए, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो लेट मी नो, सो वी विल डिस्कस, थैंक यू सो मच।